हाल के कुछ सालों में भारतीय रेलवे ने कई क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फ्लाइट जैसी सुविधाओं देने वाली प्रीमियम ट्रेन सेवाओं से लेकर माल गाड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने तक और एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक स्टेशनों से लेकर विस्टाडोम कोच में पर्यटन का अनुभव कराने तक रेलवे ने कई सफलताएं अर्जित की हैं। कीर्तिमान बनाने का रेलवे का यह क्रम लगातार जारी है और आने वाले कुछ वर्षों में रेलवे और ज्यादा बड़ी सफलता हासिल करने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में भारत के पूर्वोत्तर रेलवे ने तो कमाल कर ही दिखा दिया है, जहां उन्होंने 75% से अधिक का मार्ग, जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के पश्चिमी जिलों के क्षेत्र की सेवाएं देता है, उनको पूरा इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है। और तो और, इसी साल के अंत तक ब्रॉडगेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इसके बाद ट्रेनों के संचालन के लिए डीजल इंजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और मुख्य मार्गों के इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हाई स्पीड डीजल पर खर्च में भी काफी कमी आएगी, जिससे 361 करोड़ रुपए की बचत होगी। और इसी के साथ ही दुनिया में सबसे बड़ी ग्रीन रेलवे बनने के लिए रेलवे इस दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है और 2030 से पहले जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की दिशा में बढ़ रही है।